हेलो फ्रेंड्स, हाय, मैं हूँ राजन मारियन एंड आई रिप्रेजेंट इंडियाज और रादर पुनेस द नंबर वन बिल्डर दैट इज़ वीटीपी रियलिटी। आज मैं आपको कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ जो बिल्कुल उंदरी पिसोली हाईवे पे बनाया गया है। इस रोड की खासियत ऐसे है कि इस रोड से आप डायरेक्टली कातरज कोंडवा बाईपास को कनेक्ट हो सकते हो और वहाँ से बॉम्बे पुणे एक्सप्रेस हाईवे को भी कनेक्ट हो सकते हो और वहाँ से आप हिंजेवाड़ी आईटी पार्क के बिल्कुल पास में हो सकते हो। सेकंड थिंग है कि अगर आप राइट हैंड की तरफ मुड़ते हो तो दैट यू विल बी गेटिंग कनेक्टेड टू फुरसुंगी और सोलापुर हाईवे, और आपका जो नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो प्रपोज्ड है सासवड में, वहाँ पर आप कनेक्ट हो सकते हो। तो ये थी कनेक्टिविटी की बात। आगे चल के बात करते हैं कि यहाँ के रेजिडेंशियल का स्ट्रेंथ। यहाँ पे करीबन 5000 रेजिडेंशियल फ्लैट्स हैं जिसके अंदर बड़े बड़े बिल्डर्स जैसे न्याति है, आपका गोदरेज और अमित कलोरी, ये सारे बड़े ब्रांड्स जो है टाटा के हैं और मार्बल के हैं, ये इन्होंने अपना रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाया गया है। तो इस रोड की अगर आबादी आप देखोगे तो करीबन अराउंड 1 लाख के आसपास आपका टोटल रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ यहाँ पे बनता है। काफ़ी हैपनिंग प्लेस है। उसी रोड पे वीटीपी ने 3 कमर्शियल्स बनाए हैं, दैट इज़ ट्रेड पार्क, मार्केट प्लेस एंड ट्रेड पार्क बी। पहले हम बात करते हैं मार्केट प्लेस, जो बिल्कुल रोड से कनेक्टेड है। मार्केट प्लेस में अगर बड़े ब्रांड्स के बारे में बात करूँ तो पहला ब्रांड जो आपको दिखेगा वहाँ पे है बर्गर किंग, फिर जो दूसरा ब्रांड है आपको जो दिखेगा वो है रिलायंस फुटप्रिंट, फिर आपके पास जैसे काका हलवाई और चितले बंधु है, फिर पाटिल कट्टा है, लेंस काटे, ये सारे बड़े ब्रांड्स हैं जो इन्होंने यहाँ पे अपना शोरूम खोल रखा है और काफ़ी अच्छा बिजनेस भी कर रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे इंडिविजुअल ऑफिसेज है, सीए के हैं, जैसे डॉक्टर्स है, आर्किटेक्ट है, इन्होंने अपना ऑफिसेज यहाँ पे स्टार्ट कर रखा है। काफ़ी हैपनिंग प्लेस है, इन्वेस्टमेंट आपका फेल नहीं जाएगा। सेकेंड चीज़ जो है वो है ट्रेड पार्क। ट्रेड पार्क इज़ अ मॉल कंसेप्ट, और यहाँ पे अगर पहला ब्रांड जो आपको दिखाई देगा वो दैट इज़ स्टार बाज़ार, फुल्ली फंक्शनल है। सेकेंड जो है पूना इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में काफ़ी अच्छा नाम कमाया है उन्होंने, और उनका भी काफ़ी अच्छा बिजनेस रेवेन्यू यहाँ पे चल रहा है। थर्ड ब्रांड जो हम लोग एक्सपेक्टेड कर रहे हैं दैट इज़ वैन यूसन एंड गो कलर्स, जो आने वाले दिनों में आपको यहाँ पे नज़र आएगा। फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर पे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे इंडिविजुअल ऑफिसेज, आर्किटेक्ट, कॉल सेंटर्स और इंडिविजुअल जैसे रियल एस्टेट एजेंट है या फिर कोई अपना कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो काम करते हैं उन्होंने अपना ऑफिसेज, ब्यूटी पार्लर, सलून यहाँ पे खुले हुए हैं। तो काफ़ी हैपनिंग प्लेसेस है और यहाँ पे लोग बिजनेस भी अच्छी तरह से रन कर रहे हैं। थर्ड कमर्शियल जो है मेरा है ट्रेड पार्क बी है, जो आने वाले दिनों में आपको इसका पोजीशन मिल जाएगा। ये अभी सेकेंड फ्लोर पर इसका काम चल रहा है और यहाँ पर मिनिमम कारपेट जो है 600 कारपेट है और इसका सीलिंग हाइट है 10 फीट, ग्राउंड फर्स्ट सेकेंड, और नीचे है बेसमेंट लेवल पर एक कार पार्किंग। ये तीनों प्रोजेक्ट बिल्कुल रोड टच है, मतलब अपने प्रोजेक्ट के बिल्कुल सामने ही आपका स्टेट हाईवे है, दैट इज़ उंदरी पिसोली स्टेट हाईवे जो है जो सोलापुर सातारा को कनेक्ट करता है। तो ये थी थोड़ी जानकारी आपको ट्रेड पार्क मार्केट प्लेस और ट्रेड पार्क बी को। ये टोटल प्रोजेक्ट जो है वो 9 acres में बनाया गया है, जिसके अंदर हमारा रेजिडेंशियल भी है जिसका 1.5, 2 BHK और 3 BHK, जिसका हमने पोजेशन हैंड ओवर किया है और यहाँ पर ऑक्यूपेंसी भी ऑलमोस्ट फुल है। तो यहाँ पे शाम के वक्त अगर आप देखोगे तो काफ़ी भीड़ लगा हुआ आता है, लोग शॉपिंग करने के लिए यहाँ पे आते हैं। यहाँ प्लस यहाँ के जितने भी रेजिडेंशियल आसपास के जो प्रोजेक्ट्स के जो रेजिडेंशियल क्लाइंट्स हैं उनको अगर शॉपिंग करना हो तो वो ट्रेड पार्क मार्केट प्लेस में ही आते हैं। तो अभी भी पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है। अभी आप जो स्क्रीन के पीछे मेरे जो देख रहे हैं वो है ट्रेड पार्क। यहाँ पे मेरे पास रूफटॉप रेस्टोरेंट्स अवेलेबल है। अगर किसी को लगता है कि उन्हें यहाँ पे रूफटॉप रेस्टोरेंट चालू करना है तो यू आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम टू दिस प्रोजेक्ट। अभी मेरे पास कुछ रेस्टोरेंट्स अवेलेबल है, आप चाहो तो यहाँ पे अपना बिजनेस रन कर सकते हो। प्लस ट्रेड पार्क भी, जिसके बारे में मैंने अभी जस्ट जिक्र किया था, जो आने वाले दिनों में कम्प्लीट होने वाला है। यहाँ पे मिनिमम 600 कारपेट के दुकान है जो आने वाले दिनों में कम्प्लीट हो जाएगा, और इसका मिनिमम फ्रंटेज है 15 फीट का है और डेप्थ है इसका 40 फीट का विद अटैच टॉयलेट। तो जिस किसी को भी लगता है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और मैं तो यही उम्मीद करूँगा कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए कि आने वाले दिनों में इसका फ्यूचर जो है काफ़ी ब्राइट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में आप मेरे साइट्स को विजिट करें और अपना इन्वेस्टमेंट को बढ़ते हुए देखें। सो दिस इज़ राजन, थैंक यू फॉर listening to me patiently।
उम्मीद करता हूँ आप मुझे एक बार कॉल करें। थैंक यू।